हेल एन पी रिन्यूएबल सिस्टम का सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 18 के बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 टू 17 मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। चैनल में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 टू 20 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखे, उसके अंदर जाके इंस्टीट्यूट पार्ट को आप देख सकते हैं। हमारे डिस्कशन में बहुत सारे जगह में हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अब्रीवेशन का शॉर्ट फॉर्म यूज करेगा। अगर इलेक्ट्रिक अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उसका गवर्निंग एजेंसीज मिनिस्ट्रीज ओके वो सब का शॉर्ट फॉर्म्स अब्रीवेशन हम लोग यूज करेगा। अगर उसमें कुछ डाउट आ रहा है तो आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। आज ये पार्ट में क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है, थर्मल मैनेजमेंट कितना वैरायटी से हम लोग कर सकते हैं, ओके एक्टिव थर्मल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, पैसिव थर्मल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक मैकेनिकल पैकिंग और इंटीग्रेशन करवा रहे हैं तो उसको पहले क्या क्या चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इनक्लोजर डिजाइन प्लान करवा रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल्स कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बीएमएस का फंक्शन क्या क्या है, अगर बीएमएस है बैटरी के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ है बोल के आज हम लोग देखेगा। सो हम लोग हमारा बेसिकली थर्मल मैनेजमेंट एक्टिव थर्मल मैनेजमेंट बोल के एक मेथड है, उसमें हवा यूज कर भी हम लोग हवा ऐसा मीडियम यूज करके अभी एक्टिव थर्मल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो लिक्विड है ना, वो 50% उसका अंदर पानी है, 50% ग्लाइकोल मिक्स है, ये इसको यूज करके भी हम लोग ऐसे मीडियम यूज करके एक्टिव थर्मल मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो ये ऐसा हवा यूज करने का फायदा क्या है, उसको रैपिड चेंजिंग टेम्परेचर में बराबर रेस्पॉन्ड करेगा वो हमारे पानी से उसका, और लिक्विड से उसका वेट थोड़ा कम है, इसके लिए इसको किधर जरूरत है वही जगह में इसको ऐसा एक्टिव थर्मल मैनेजमेंट कूल एंड मीडियम यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज है तो कूलिंग का बारे में आप देखेगा तो लिक्विड का ऐसा इट कैन नॉट बी एज एफिशिएंट एज लिक्विड, ठीक है। एंड अगर हवा को ज़्यादा हम लोग बैटरी पैक में यूज कर रहे तो वो एंटियर बैटरी का लाइफ को कम कर सकते हैं, ठीक है। एंड लिक्विड कूलेंट यूज करने का फायदा क्या है, ये क्विकली है ना हमारा हीट को ट्रांसफर कर सकता है, ओके इट विल टेक अवे द हीट फ्रॉम द सेल्स, ये इसका फायदा है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज सेम है, सो ये हमारे हवा से थोड़ा हेवियर है। पैसिव थर्मल मैनेजमेंट ओके, सो एक्टिव में हम लोग इधर हवा और नहीं तो पानी कोई भी लिक्विड्स हो सकता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड ग्लाइकोल मिक्स, उसको फोर्स करके हम लोग यूज कर रहे हैं। बट पैसिव थर्मल मैनेजमेंट क्या है, विदाउट फोर्सिंग ओके हवा पानी और कोई अदर कूलिंग मीडियम पैक में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको पैसिव थर्मल मैनेजमेंट बोल के बताएगा, ठीक है। इवन यूज ऑफ एल्यूमिनियम और मेटल होसिंग बोल यूज करके भी हम लोग पैसिव थर्मल मैनेजमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह में क्या करेगा, हमारा इनक्लोशर का साथ फिंस दिएगा, पैक में इनक्लोशर के साथ फिंस देगा, सो गाड़ी मूव होने का टाइम वो अपने आप एयर को फोर्स करके ओके हीट को निकालेगा, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। डिसएडवांटेज क्या है, ये थोड़ा रेस्पॉन्स अगर एक्टिव एंड थर्मल के बारे में आप कंपेयर करेंगे तो रेस्पॉन्स टाइम, सो पैसिव थर्मल मैनेजमेंट थोड़ा कम है। ये हाई डिमांड एप्लीकेशन के लिए पैसिव थर्मल मैनेजमेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो कॉकसिव एंड एडवर्सिव, अगर स्ट्रक्चरल एंड थर्मल मैनेजमेंट के लिए तो हम लोग कौन सा पर्पस के लिए वो बांध को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उसमें सब्सट्रेट्स क्या क्या है, अगर वो सरफेस में ट्रीट करेगा तो वो क्लीन कर सकता है, उसका ऑप्टिमल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीज़ हम सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैकेनिकल पैकिंग और इंटीग्रेशन हम लोग करवा रहे थे कौन सा एप्लीकेशन के लिए हम लोग ये कंसर्न इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्लान करवा रहे हैं, व्हाट इज एप्लीकेशन, ठीक है। इसको किधर हम लोग माउंट करने वाले हैं, ठीक है। अगर पैसेंजर कंपार्टमेंट है वो चेसिस के अंदर इन द ट्रक हम लोग रख रहे हैं, ओके इसका सीलिंग एंड इंग्राउंड रिक्वायरमेंट बराबर है, ओके स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, अगर शॉक एंड वाइब्रेशन एक्सपीरियंस हो रहे तो ओके व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉसिबल शॉक एंड वाइब्रेशंस होने का पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैक्ट इंपैक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। अगर वो हीट जनरेट करवा रहे तो उसका उससे दूसरा इक्विपमेंट का डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा, अगर पैसेंजर भी उसके अंदर है तो भी और फ्यूचर में हमको सर्विस करने का तो भी विदाउट अफेक्टिंग द पैसेंजर कैसे हम लोग इसको निकाल के सर्विस कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम याद में रखने का कभी भी एक मैकेनिकल पैकेजिंग और इंटीग्रेशन करने का टाइम, ठीक है। मटेरियल सिलेक्शन के बारे में आप देखेगा तो हमारा इंक्लोशर के लिए हम लोग बहुत सारा वेराइटीज यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करके भी इंक्लोशर बना सकते हैं, स्टील्स यूज करके इंक्लोशर्स बना सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज करके इंक्लोशर्स बना सकते हैं, फाइबर ग्लासेस और कॉम्पोजिट मटेरियल्स यूज करके भी हमारा इंक्लोशर्स बना सकते हैं। बट हमारा अप्लीकेशन से हमारा इंक्लोशर का चूजिंग डिसाइड कर रहा है, मान लो
आपका हाई स्ट्रेंथ एंड रिलेटिवली लो कास्ट चाहिए तो भी आप स्टील इनक्लोशियस यूज कर सकते हैं। नहीं, आपको वेट थोड़ा कम है, ओके, स्टील से वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा तो एल्यूमिनियम आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं आपको लो कास्ट है, ओके, बट फिनिशिंग बराबर होने का, तो आप प्लास्टर कैस्टिंग यूज कर सकते हैं। सो इनग्रेस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, दैट इज नथिंग बट द आईपी रेटिंग्स, दैट इज IP65, IP66, IP67, IP68, ये सब अच्छा चीज़ है क्योंकि इसका इंग्रेस रेटिंग है तो नो डस्ट नो कॉन्डक्ट, ओके। IP65 में क्या है, अप टू वाटर है ना एट अ जेट स्पीड ऑफ 30 kPa हम लोग दे सकते हैं। IP60 से तो वाटर स्पीड एट 100 kPa हम लोग दे सकते हैं। अगर पैकेट ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन है तो ये देखने के लिए आईसीडी का एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें दे चुका हूँ, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सॉरी, हर एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज अ BMS का एक फंक्शन है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल्स है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इज दैट वो एनर्जी एंड पावर प्रोडक्शन बराबर करने का, तो बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, उसके हेल्थीनेस क्या है। सेकेंड चीज़ ये मॉनिटर एंड डायग्नोस्टिक बराबर करने का, सो उससे हम लोग वोल्टेज को मेशर करने का, करंट को मेशर करने का, टेम्परेचर को मेशर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अवेलेबिलिटी देखेंगे तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी एक बिल्डिंग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आपका अवेलेबल होने का। एक्चुएशन के बारे में देखेंगे तो वो कूलेंट कंट्रोल इनेबल करने के लिए यूज होने का, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे तो हमको चार्ज कंट्रोल करने का, उनको ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देने का, स्टेट ऑफ फंक्शन करने का, क्रैश सिग्नल देना पड़ेगा, ये सब चीज़ बराबर BMS से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। बैटरी का लाइफ एनहांसमेंट है ना, टेम्परेचर कंट्रोल करके, पावर लिमिटेशन बराबर करके, सेल बैलेंसिंग करके, ये सब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम है, ठीक है। लिथियम सेल फेलियर मोड एनालिसिस का बारे में देखिएगा तो कभी भी एक प्रॉब्लम है तो उसको एक कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका वजह से एक एक्शन और रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉम्पोनेंट्स को एक कॉन्सिक्वेंसेस है, कैथोड ब्रेक डाउन आ जाएगा तो भी एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, प्रेशर बिल्डअप आए तो भी, और ओवर टेम्परेचर, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, लो टेम्परेचर, ये सब चीज़ के लिए एक कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके हिसाब से एक एक्शन हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके हिसाब से एक रिजल्ट हमको मिलेगा। अगर प्रॉब्लम एंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग एक्शन बराबर लिएगा तो हमारा रिजल्ट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द सेल सेफ्टी सिस्टम। अगर एंटायर BMS के बारे में आप देखेगा तो ये बैटरी का हाउसिंग है, ठीक है। हर एक सेल मॉड्यूल को मॉनिटर करने के लिए हम लोग सेल सुपरविजरी सर्किट्स यूज करवा रहे हैं। इसका काम वोल्टेज एंड टेम्परेचर को मेशर करने का एंड सेल बैलेंसिंग बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये कम्युनिकेशन के लिए कैनबस यूज करवा रहे हैं। इन सब चीज़ ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए। फिर करंट को सेंस करने के लिए करंट सेंसर्स, करंट रिलेस भी करंट सेंसर्स है, एंड चार्जिंग रिलेस के लिए एंड मेन रिलेस के लिए एनेबल एंड डिसेबल करने का एक रिलेस है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट ये सबको कंट्रोल करने के लिए बैटरी मॉनिटरिंग यूनिट, इसका काम बैटरी का करंट एंड वोल्टेज मेशर करने का, आइसोलेशन कंडीशन डिटेक्शन करने का, रिलेस को एक्टिवेट और एनेबल और डिसेबल करने का, इंटरलॉक ड्राइवर्स को भी एनेबल और डिसेबल करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट बैटरीज का DC लिंक का, क्रॉस कनेक्टिव सबका कंट्रोल करने का काम ये बैटरी मॉनिटरिंग यूनिट का है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो एंड आपका फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर करवा दो, ठीक है। आपको इसका बारे में थोड़ा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आपको PLC प्रोग्रामिंग सीखने का, उसमें ट्रेनिंग चाहिए विद सर्टिफिकेशन है, तो भी हम लोग दे सकते हैं। हम लोग सीमेंस एनन्ब्रॉडी डेल्टा PLC का प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप GCC कंट्री में काम करने के लिए प्लान है, ठीक है, आप GCC कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई, उनके ये कंट्रीज में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए प्लान थी भी, अगर उसके रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग आपको चाहिए तो भी हम लोग दे सकते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। ये भी पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वही जगह में DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए प्लान है तो भी आप आपको कॉन्टेक्ट से हम लोग करके दे सकते हैं। अगर नहीं आपको एग्रीकल्चर फार्म से, उसमें आपको क्रॉप्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने का थ्रू फेंसिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। अगर सोलर फेंसिंग आपका जरूरत है तो हम लोग सोलर फेंसिंग ऐसा किट दे सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे सकते हैं। अगर मान लिया आप एक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।